दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। क्या यह भीम के बेटे घटोत्कच का कंकाल है? महाभारत में एक किरदार घटोत्कच था जो भीम और हिडिम्बा का पुत्र था। कहा जाता है कि वह पैदा होते ही बड़ा हो गया था। घटोत्कच इतना बड़ा था कि जब उसे महाभारत के युद्ध में कर्ण ने शक्ति से मारा तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार वह कौरव की सेना की ओर गिरा और उसके शव के नीचे कौरव के एक सेना की टुकड़ी ही दब गई। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर घूम रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह तस्वीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक सड़क पर की है और इसमें जो कंकाल है वह घटोत्कच का ही है। मुझे लगता है कि आपने भी यह तस्वीर जरूर देखी होगी। और इससे पहले कि आप कुछ सोचे, मैं आपको बता दूं कि यह तस्वीर पूरी तरह से झूठी है। तो इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, आइए हम जानते हैं। इस तस्वीर के बारे में जब भारतीय पुरातत्व विभाग से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी कंकाल उन्हें कहीं नहीं मिली है, ना तो कुरुक्षेत्र में और ना ही पूरे भारतवर्ष में। आपको बता दें कि यह कोई वास्तविक कंकाल नहीं बल्कि एक आर्टवर्क है और इसे इटली के कलाकार जीनो डी डोमेनिक्स के बनाया है। वो अजीब अजीब आर्टवर्क बनाने के लिए मशहूर हैं। उनकी यह तस्वीर इटली के एक शहर मिलान के स्क्वायर प्लाजा पर रखा गया था और वहीं पर यह तस्वीर ली गई थी।